केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला के बोरी और गठुला ग्राम पंचायतों में पहुंचा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वैन छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के बोरी और गठुआ ग्राम पंचायत पहुंची, जहां शिविर के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। यात्रा के दौरान ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। केंद्र सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, जो हमारी छूटे हुए लोग हैं, है ना, जो हकदार हैं सरकारी योजनाओं के लाभ से, जो छूट जाते हैं, उन्हीं योजनाओं को उस ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक ही पहुंचाना हमारी सरकार की और हमारा ही एक उद्देश्य है कि हम उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं को पहुँचाएँ। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे ग्राम बोरी में भी यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। पहले पानी की बहुत समस्या थी, बोरिंग से कुआं से पानी लाते थे तो समय वेस्ट हो जाता था। अब नल जल जीवन के तहत हमारे घर में नल लग गया है, उससे हमारे समय की भी बचत हुई और हम बाहर काम में भी जा सकते हैं अच्छे से। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सम्मान निधि से लाभ मिला, उसमें हम बीज के और खाद के लिए यूज करते हैं और मजदूर लोग के लिए यूज करते हैं और साल भर में हमको 6,000 मिलता है, पर चार महीना में 2,000 करके मिलता है हमको, इससे हम बहुत संतुष्ट है। मैं पहले लकड़ी छेना जला रही थी, उसमें बहुत धुआं निकलता था, धुआं निकलने से मेरे आँख में भी परेशानी हो गई है। इस कारण अब उज्ज्वला गैस मोदी जी ने दिया है, उसके लिए मैं बहुत अच्छा जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे रही हूँ मोदी जी को। विकसित भारत संकल्प यात्रा के गांव-गांव पहुंचने पर विभागीय स्टॉल लगाए जा रहे हैं और लोक हितकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं स्कूली बच्चे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दे रहे हैं।